हेलो गाइज, अगर आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो इस प्रकार से ऐसा ऐसा या फिर ऐसा, तो आप वीडियो में बने रहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। यहाँ पर मैंने जो इंस्टाग्राम स्टाइलिश नेम जो कि एक स्टाइलिश फॉन्ट के रूप में लिखा हुआ, अगर आप भी अपने नाम को इसी प्रकार से स्टाइलिश फॉन्ट में जनरेट करके और अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर लिखना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसको अपने नाम को यहाँ पर इस प्रकार से चेंज करना पड़ेगा। चाहे आप जिस भी स्टाइल में चेंज करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले बैक जाना है और उसके बाद आपको अपने फोन के कोई भी ब्राउजर में चले जाना है। आपके पास क्रोम ब्राउजर तो क्रोम में भी जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर में चले जाता हूँ, क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है सिंपली। जैसे यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में गया और क्रोम ब्राउजर के सर्च बॉक्स में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है इंस्टाग्राम फॉन्ट जनरेटर। जैसा कि आप देख सकते हैं, फॉन्ट जनरेटर फॉर बॉय, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो इंस्टाग्राम फॉन्ट जनरेटर फॉर बॉय, उसका यह लिख आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे, उसके बाद आपके सामने एक वेबसाइट सबसे पहले ओपन आ जाएगा, ये फॉन्ट फॉर इंस्टाग्राम। यहाँ पे इस वेबसाइट में आपको जाना है। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे यहाँ नीचे में एक सर्च बॉक्स दिखाई देगा जहाँ पर आपको अपना नाम डालना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दीपक कुमार पहले से ही डाल रखा है, तो यहाँ पे मैं दीपक कुमार नाम डाल चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं दीपक कुमार नाम डाल दिया, तो जैसे यहाँ पे मेरा बहुत सारा जो फॉन्ट है वो ऑटोमेटिक हो चुका है। जैसा कि देख सकते हैं, मैंने ये वाला फॉन्ट अभी लगा के रखा है अभी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाला फॉन्ट, मुझे अभी पसंद आया तो मैं ये वाला फॉन्ट को अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो नाम है उसमें लगा दूँ। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ। सेलेक्ट और कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ से बैक जाता हूँ और सीधा अपने प्रोफाइल में चले जाता हूँ। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे मैं इसे लगाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे जो पहले से जो नाम लिखा है उसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ, तो पेस्ट कर देना है। पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे आपको टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर से दोबारा यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका जो है वो सेव हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसी प्रकार से आप भी अपने नाम को एक स्टाइलिश फॉन्ट में जनरेट कर सकते हो और उसे लगा सकते हो। आशा करता आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।